और अब दोस्तों मैं ऑरेंज में थोड़ा सा पिंक मिला के हल्का सा उसके बाद इसे दे रहा हूँ ताकि, और फेस कलर भी उसमें मिक्स किया है मैंने, तो ये दोस्तों कहने का मतलब लाइट लगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं आंगनबाड़ी, जो कि हम लोगों का यहाँ पर काम चलेगा 2-3 दिन। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए दोस्तों हम लोग सोनोसेम का यूज करेंगे, जो कि 20-25 किलो का पैकेट आता है, तो उसी को दोस्तों इस पे पूरा व्हाइट कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से इमल्सन डालेंगे। कहने का मतलब है कि प्राइमर के जगह में हम लोग सोनोसेम को ही यूज करेंगे। तो चलिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है और दो लड़के नहीं आए हैं, तो अभी आएंगे वो लोग, तो उसके बाद ही काम पूरा तरह से चालू होगा। और वैसे चाभी हम लोगों ने नहीं लाया है अभी तक, लाने गए हैं बच्चे लोग, तो आंगनबाड़ी सेविका शायद आएगी तो लेते ही आएगी। तो चलिए, जब दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर देंगे काम, तो उसके बाद फिर से मैं दिखाऊंगा आपको। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का काम जो है स्टार्ट हो गया है। अब तो इसे कितना टाइम लगता है इसे पूरा कंप्लीट करने में, वाइट वॉशिंग वाला काम को 4 बजे तक कंप्लीट कर ही देना है, और इमल्सन वाला काम कल होगा। तो ये देखिए, वैसे आधा अधूरा हो चुका है और जो रगड़ रहा है बहुत सुमित है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों कुछ खाने को लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों लड़कों ने कुछ लाया नहीं है खाने के लिए और खाने का टाइम जो है वो हो चुका है। तो चलिए, अभी तो पहले कुम्हारी जाते हैं, तो कुम्हारी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लौट के आते हैं। तो सिंगाड़ा समोसा दुस्का वगैरह मैं नहीं खाता हूँ, इडली वगैरह मिल जाएगा तो खाएंगे। और चलिए उधर से लौटते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं नाश्ता वगैरह लेके आ गया, जिसमें सिंघाड़ा है और इडली है। तो सिंघाड़ा किसे कहा जाता है? समोसे को झारखंड में सिंघाड़ा कहा जाता है। तो चलिए अभी लोग खाते हैं, तब तक हम भी देखते हैं इन लोगों कैसे खा रहे हैं लोग। तो चलिए दोस्तों, इन लोग नाश्ता वास्ता कर लेगा, उसके बाद फिर से इन लोग काम स्टार्ट करेगा। वैसे दोस्तों मुझे घर में जाके पेंटिंग बनाना है, तो जाके देखते हैं कितना टाइम में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वैसे काफ़ी लेट हो रही है यहाँ पर, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2:30 बजने वाले हैं। शाम को भी जाऊंगा तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब इधर से जाऊंगा डायरेक्ट पेंटिंग में ही लग जाऊंगा, इधर उधर घूमना नहीं है। तो चलिए, अभी फिलहाल ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और एक बार कितना इन लोगों ने काम किया है। फाइनली दोस्तों अब हम लौट रहे हैं और आधे लड़के वहाँ पे काम कर ही रहे हैं, वो लोग खत्म करेंगे उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। उन लोगों का घर वहाँ से नज़दीक है, तो फिलहाल हम दोनों तो दूर के हैं इसलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे घर पे मिलेंगे। ओके, फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ घर, और दोस्तों अब हम अपना ड्रॉइंग को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी ड्राइंग को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं दिन भर में कुछ नहीं कर पाया आज, क्योंकि वहां भी अगर मैं काम करता तो कुछ दिखाता आपको, बट कुछ मैंने किया ही नहीं, सारे मेरे लोग ही कर रहे थे। एक्चुअल में दोस्तों वहां कुछ वैसा दिखाने लायक भी नहीं था, तो मैं क्या दिखाता। तो फिलहाल तो अपना पेंटिंग ही करेंगे और चलिए इसे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, हो सके तो कर देंगे, नहीं तो फिर मुझे लगता है दोस्तों कि डिटेलिंग वाला काम बच सकता है, बाकी बात सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समय दोस्तों कॉफी वगैरह पी लेता हूं उसके बाद। ओके, लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों ये है वो स्केच जिसे मैं अभी पेंट करूंगा, जो कि साउथ की एक्ट्रेस का है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना ये कौन है। और इसे दोस्तों अभी मैं जितना भी ग्रिड बना हुआ है उसे मैं झाड़ दूंगा थोड़ा, और ताकि कलर मिक्स ना हो जाए, वो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको।
तो फाइनली दोस्तों झाड़ने के बाद देखिए कैसा पूरा क्लीन लग रहा है। और अब मैं इस पे पेंट अप्लाई करता हूँ। और दोस्तों किनारे किनारे मैंने नहीं किया है क्योंकि वो उधर मैं डार्क कलर भी दे सकता हूँ इसीलिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं रेड वाइट येलो को मिक्स करके जो मैंने स्किन का कलर बनाया है उसे वाइट से मिक्स करते हुए मैं ब्लेंड करते हुए इसको पेंट कर रहा हूँ जिसके। और अभी दोस्तों रेड रेड येलो ब्लैक को मिक्स करके जो मैंने ब्राउन कलर बनाया है तो उसको फोरहेड पे उस साइड में मैंने दिया है ताकि शेडो लगे। तो फिर से दोस्तों मैं फेस कलर को यूज़ करते हुए ऊपर से लाइट कलर का यूज़ करूँगा और उसके आँखों के नीचे भी मैं यही कलर को दूंगा और थोड़ा सा डार्क कलर मैंने बनाऊंगा। और उसमें कहने का मतलब जो फोरहेड पे मैंने दिया है वही कलर है, उसमें थोड़ा सा मैंने वाइट ऐड कर दिया है और उसको मैं दे रहा हूँ। और इसको दोस्तों अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि ये अच्छा लगे। इसी तरह से रियलिस्टिक पेंटिंग आप भी बना सकते हो क्योंकि रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप पेंट करोगे तो आपको बनाने में मज़ा आएगा। तो अभी दोस्तों मैं वही जो डार्क कलर मैंने बनाया है उसी में थोड़ा सा ब्लैक डाल के मैं उसको थोड़ा सा डार्क बना के उसे अभी दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हटके कलर लगे। कहने का मतलब जैसे रेफरेंस में दिया हुआ है दोस्तों उसी टाइप से मैं दे रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह देना दोस्तों ताकि रेफरेंस से प्रॉपर मैच करे। और दोस्तों काफ़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों इस तरह की रियलिस्टिक वर्क करने में। अभी दोस्तों फोरहेड पे भी वही कलर को मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का शेडो वहाँ पे बाल है इसी वजह से मैंने वो दिया है। और आँखों के जो कॉर्नर हैं उस पे भी मैं वही कलर को दे रहा हूँ थोड़ा सा डार्क लगे बोल के। अभी फिर से दोस्तों मैं वही की फेस कलर में थोड़ा सा वाइट डाल के मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इस साइड थोड़ा सा लाइट है और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे आप मुझे वाइट का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फेस का जो चीक है वो बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा लाइट ही देना पड़ता है दोस्तों। और अब दोस्तों मैं ऑरेंज में थोड़ा सा पिंक मिला के हल्का सा उसके बाद इसे दे रहा हूँ ताकि, और फेस कलर भी उसमें मिक्स किया है मैंने तो ये दोस्तों कहने का मतलब लाइट लगे तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप देखिए कैसा मतलब ये लगेगा। और अब दोस्तों मैं ऑरेंज में थोड़ा सा पिंक मिला के हल्का सा उसके बाद इसे दे रहा हूँ ताकि, और फेस कलर भी उसमें मिक्स किया है मैंने तो ये दोस्तों कहने का मतलब लाइट लगे तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप देखिए कैसा मतलब ये लगेगा, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों रेफरेंस में इसी तरह से है बनाया हुआ तो मैं इसी तरह से दे रहा हूँ और हल्का सा डार्क कलर मैंने दे दिया है। और इस साइड दोस्तों नोज़ के साइड में लाइट कलर है तो वहाँ पर भी मैं वाइट मिक्स करके स्किन कलर को दे रहा हूँ। और इस साइड थोड़ा सा पिंकिस टाइप का मैं कलर बना के, कहने का मतलब वही फेस कलर में थोड़ा सा पिंक कलर मैंने मिक्स किया है और पूरे नोज़ को मैं दे रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आप ही पेंट करना क्योंकि जैसे रेफरेंस में होगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। और जहाँ मैं अभी दे रहा हूँ वो लाइट कलर है, कहने का मतलब वाइट है तो वाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ आपको लाइट नज़र आ रहा होगा वो वाइट ही है। तो इसमें ऊपर भी हल्का सा पिंक कलर देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मतलब रिफ्लेक्ट पड़े एक जैसा लगे। तो यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ दोस्तों ये ऑरेंज में थोड़ा सा मैं पिंक कलर को मिक्स करके और जो ब्राउन कलर मैंने बनाया हुआ है उसमें भी मिक्स हल्का मैंने मिक्स किया है। तो दोस्तों आप लगातार पेंटिंग करोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा। तो इस तरह से पेंटिंग, कहने का मतलब इस तरह की पेंटिंग बनाने में आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो कुछ दिन आप अगर लगातार मेहनत करते हो तो आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों मेरी वीडियोस को आप लगातार अगर देखोगे तो मैं इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को समझाता जाऊंगा। और अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं वहां पर लाइट कलर भी दूंगा क्योंकि वहां पे हल्का सा लाइट भी होना चाहिए। और दोस्तों इसके माथे में जो अभी मैं कलर दे रहा हूँ वो दोस्तों वही पिंक कलर है और स्किन कलर से मिक्स किया हुआ है तो वो मैं दे दूँगा। और माथे पर भी हल्का फुल्का मैं इसको यूज़ करूँगा। तो अभी जो मैं कलर दे रहा हूँ दोस्तों उसी पिंक में हल्का सा जो ब्राउन कलर मैंने बनाया है उसको हल्का सा मिक्स किया है।
और ये मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ। अभी वहाँ पे थोड़ा सा हल्का उस अगला मतलब जो आगे मैंने कलर किया है उससे थोड़ा सा डार्क लगेगा, और फिर नीचे से दोस्तों मैं लाइट कलर भी दूंगा। तो ये आप रेफरेंस को देखोगे तो आप समझ जाओगे, और अभी जो दे रहा हूँ वो कलर भी वही है सेम। तो अभी मैं जहाँ पे वाइट दिख रहा है दोस्तों वहाँ पर मैं अभी लाइट कलर दूंगा, क्योंकि रेफरेंस में वाइट ही है, कहने का मतलब वहाँ पे लाइट ही पड़ेगा। आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हो दोस्तों, जिधर लाइट है वहाँ पर आप लाइट ही दोगे। तो ये देखिए मैं वो अभी वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हल्का सा पिंक मैंने मिला रखा है। अब मैं जो ईयर बना रहा हूँ दोस्तों, ईयर में सबसे पहले मैंने एक कलर दे दिया फेस कलर को, और उसके बाद जो ऑरेंज कलर है उसमें थोड़ा सा जो ब्राउन कलर मैंने मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं इसको बना रहा हूँ। और अब दोस्तों मैं दूसरे आँखों में जो डार्क कलर मैंने बना रखा है उसी को जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और अभी स्किन कलर को दूंगा दोस्तों, जो कि उसी के साथ ब्लेंड कर दूंगा, और हल्का फेस कलर में हल्का पिंक डाल के उसे ही मिक्स करूँगा। तो आप इसमें मिक्स करते हुए आप पिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मैंने इसमें मिक्स किया है। और ये देखिए दोस्तों अब इस टाइप का ये लग रहा है, आँखों के नीचे भी वही कलर दिया, और अब यहाँ का काम कंप्लीट। तो फेस के चीक में फिर से मैं डार्क कलर का भी अप्लाई करूँगा देखिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा वाइट डाल के, तो वाइट मैंने इसमें मिक्स कर दिया है दोस्तों। अब देखिए ये कैसा लगेगा। अब थोड़ा सा जो नोज़ के किनारे किनारे है दोस्तों उस पर भी मुझे डार्क कलर ही यूज़ करना है। फ़िलहाल इस फेस का जो पूरा यहाँ पे स्किन कलर जहाँ जहाँ है वहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ताकि मुझे आसानी हो पेंट करने में। आप भी दोस्तों एक ही बार ज़्यादा एरिया को कवर करोगे तो आपको ब्रश चलाने में हेल्प होगा, और आपको आइडिया आ ही जाएगा दोस्तों अगर आप डेली पेंट करते हो तो। तो अगर अभी दोस्तों मैं ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा मैंने स्किन कलर मिक्स कर दिया था, और ये देखिए दोस्तों नोज़ के किनारे मैं दे रहा हूँ डार्क कलर, जो कि रेड येलो ब्लैक से मैंने मिक्स करके बनाया है। तो ये भी बन गया। तो यहाँ से दोस्तों जैसा रेफरेंस में दिया हुआ है मैं वैसा ही पेंट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी पेंटिंग बना सकते हो, और मेरी वीडियोस आप हर हमेशा देखोगे तो दोस्तों इसी तरह से मैं ट्यूटोरियल आपको बना के दूंगा। और दोस्तों आप हमेशा कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। तो फ़िलहाल दोस्तों आप टाइम लैप्स पे देखिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं लास्ट में मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली दोस्तों पेंटिंग जो है मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और मेरे खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है, और खाना बना के फिर एडिटिंग वगैरह भी करना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों अभी मैं इतना ही कर पाऊँगा। वैसे दोस्तों आपको पेंटिंग कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो जैसे फ़ोटो में है वैसा ही सेम टू सेम मैं इसे बनाने वाला हूँ। तो आप लोग दोस्तों कल वाली वीडियो को मिस मत करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो कल मेरी वीडियो अपलोड होगी तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।